इसे नाम दिया गया था द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल, अर्थात गिद्ध और छोटी लड़की। इस तस्वीर में एक गिद्ध भूख से मर रही एक छोटी लड़की के मरने का इंतजार कर रहा है। इसे एक साउथ अफ्रीकन फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टन ने 1993 में सूडान के अकाल के समय खींचा था। उस समय वह अपनी इस तस्वीर को लेकर काफी चर्चाओं में रहे थे और इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन कार्टर इस सम्मान का आनंद कुछ दिन ही उठा पाए, क्योंकि कुछ महीनों के बाद 33 वर्ष की आयु में उन्होंने डिप्रेशन से आत्महत्या कर ली। आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल जब वे इस सम्मान का जश्न मना रहे थे तो सारी दुनिया में प्रमुख चैनल और नेटवर्क पर इसकी चर्चा हो रही थी। उनका डिप्रेशन तब शुरू हुआ जब एक फोन इंटरव्यू के दौरान किसी ने उनसे पूछा कि उस कुपोषण से पीड़ित लड़की का क्या हुआ। कार्टन ने कहा कि वह यह देखने के लिए रुके नहीं, क्योंकि उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन वहाँ दो गिद्ध थे जिसमें एक के हाथ में कैमरा था। इस कथन के भाव से कार्टन को इतना विचलित कर दिया कि वे डिप्रेशन में चले गए और अंत में उन्होंने आत्महत्या कर ली। कार्टर आज जीवित होते अगर वे उस बच्ची को उठाकर यूनाइटेड नेशंस के कुपोषण सेंटर तक पहुंचा देते, जहां पहुंचने पर उस कुपोषण से पीड़ित बच्ची को जीवनदान मिल जाता। आप कितना भी धन, पैसा या कोई भी पोजीशन प्राप्त कर ले, लेकिन यदि आप में मानवता नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। क्या अब भी ऐसा ही नहीं हो रहा है? किसी के साथ दुर्घटना होने पर न्यूज रिपोर्टर उसकी मदद करने के बजाय उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, और शायद हम सब भी यही कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो मानवता के नाते उसकी मदद अवश्य कर देना, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। इंसान और रोबोट में सबसे बड़ा अंतर यही है कि रोबोट में मानवता नहीं होती है। रोबोट भावुक नहीं हो सकता, रोबोट केवल एक मशीन है। भगवान ने तो इंसान बनाया था, लेकिन आज वह रोबोट बनने पर लगा हुआ है। अगर किसी इंसान में मानवता नहीं तो वह इंसान नहीं, वह रोबोट ही है।